आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 3 जनवरी के ईश्वरीय वरदान की। परमपिता परमात्मा कहते हैं आज के वरदान में, जैसे कि हम किसी और से अगर हम ब्लेसिंग्स या वरदान पाते हैं अच्छे कर्मों के द्वारा, आप सोचिए अगर आप भी परमात्मा के दिए हुए डायरेक्शन पर जितना हो सके 100% चल पाए तो बहुत ही ब्यूटीफुल। अगर आप 70%, 50% या 80% भी चल पाते हैं तो आप सोचिए उनके द्वारा जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी वो आपको कितना हल्का बना देंगी मन में और हर कार्य में। आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, कि हर कदम पर कदम रख करके परमात्मा की गाइडेंस अगर हम चलें तो हमें कितनी बदुआएं नहीं दुआएं मिलने वाली हैं परमात्मा से, और वो दुआएं हमें स्वस्थ रखेंगी मन से तन से, वो दुआएं हमें जीवन में हल्का रखेंगी मन से तन से, और वो दुआएं हमारे बिगड़े हुए कार्य को बनाना शुरू कर देंगी। तो देखें परमात्मा कहते क्या आज के वरदान में विस्तार में, उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्मा दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा, बाप हो गए परमात्मा पिता, दादा हो गए ब्रह्मा एडम, दादा मतलब बड़ा भाई। सो एडम हम ब्राह्मणों के लिए, ब्रह्मा ही एडम है, ब्रह्मा बाबा हम ब्राह्मणों के लिए दादा भी हो गए और स्पिरिचुअल फादर भी हो गए, एंड सुप्रीम फादर परमपिता परमात्मा वो उनके भी पिता हो गए, ब्रह्मा के भी एडम के भी पिता हो गए या रचेता हो गए। तो आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे आज्ञाकारी को ही सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती हैं। सर्व संबंध, सो चाहे आप उनको बंधु बोले, सखा बोले, साथी बोले, साजन बोले, सजनी बोले, जिस भी रिलेशनशिप में आपको कमी महसूस होती है इस जीवन में, कईयों के रिलेशनशिप्स हैं, भाई भी हैं, बहन भी हैं, हस्बैंड भी हैं, वाइफ भी है, लेकिन फिर भी कमी महसूस होती है, प्यार नहीं मिलता उतना। तो परमात्मा कहते हैं आपको जिस संबंध में आप मुझे याद करो लेकिन कंडीशंस हैं कि आप मेरी बातों को फॉलो करो, तो मैं आपको उन संबंधों का प्यार आप तक पहुंचा पाऊंगा, या ये कहें कि हम उनसे वो ले पाएंगे प्यार, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही खोट हो जाता है, हमारे अंदर ही गलतियां हो जाती है, हमारे द्वारा ही कमियां रह जाती हैं, जिस कारण से हम परमात्मा की वाइब्रेशंस तक पहुंच करके, थोड़ा सा ऊपर पहुंच करके, एक कदम बढ़ा करके उनसे हम वो शक्ति और प्रेम और खुशी और शांति खींच नहीं पाते हैं। वो तो दे रहे हैं लेकिन हम लेने में हम क्या कर देते हैं, कमी कर लेते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं ऐसे आज्ञाकारी को ही सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती हैं। ये भी नियम है परमात्मा से प्रेम, सुख, शांति, आनंद, खुशी प्राप्त करने का। फिर साधारण रीति भी कोई किसी के डायरेक्शन प्रमाण हां जी कर कर कार्य करते हैं तो जिसका कार्य करते उसकी दुआएं उनको जरूर मिलती हैं। सोचिए अब जरा, मिलती कि नहीं मिलती है, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे आपके घर के रिलेटिव्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, एल्डर्स हो, जो भी हो, उनसे आपको दुआएं मिलती, छोटों से भी बड़ों से भी, दोनों से। फिर परमात्मा कहते हैं ये तो परमात्मा दुआएं हैं जो आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती हैं। परमात्मा ने सुबह अमृत वेले से लेकर रात तक क्या करना है, कब मेडिटेशन करना है, कैसे मुरली सुननी है, आध्यात्मिक ज्ञान कैसे सुनना है, सब कुछ बताया हुआ है, और उनको हम हर दिन करते जाएं नियम नियम के अनुसार तो प्राप्तियां जो होंगी, खुशियां जो होंगी, शक्तियां जो होंगी, वो ही निशानी है कि हमारा परमात्मा पिता से वाइब्रेशन लेने की हमारी क्षमता बढ़ चुकी है। परमात्मा की क्षमता नहीं, हमारी क्षमता बढ़ चुकी है। परमात्मा ये नहीं कि मैं इसको दूं ना दूं, कंडीशंस नहीं लगाते, लेकिन हम कंडीशंस लगा देते हैं कि मैं ये धारणा करूंगा, ये धारणा नहीं करूंगा। जैसे कि ब्रह्म कुमारी में लहसुन प्याज नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना, नहा धोकर के हमें खाना पकाना, ये चीजें क्यों करते हैं, अरे बड़ी मुश्किल है, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, अरे दुनिया वाले नहीं करते, आप करो, उसके बाद में परमात्मा की वाइब्रेशन को कैच करने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। आप उनके लिए नहीं कर रहे हो आप, या ब्रह्म कुमारी इसके लिए नहीं कर रहे हो आप, कुछ रीजंस हैं, आप ये सारी चीजें करो तो आपके अंदर उनकी पावर खींचने की क्षमता बढ़ जाएगी। और बहुत सारे नियम भी है, ये तो स्थूल फिजिकल नियम हो गए, वैसे सूक्ष्म नियम भी हैं
किसी के अंदर बुरा ना देखो, किसी की बुराई का वर्णन ना करो, मन को पवित्र रखो, मन में और के प्रति घृणा, नफरत, आलस्य, अलबेलापन, ईर्ष्या ना रखो, संतुष्ट रहो जो अपने जीवन से, ये भी बहुत सारी धारणाएं हैं। अहंकार, सूक्ष्म भी अहंकार ना हो, ये ज्ञान होने का भी अहंकार ना हो, मैं समझदार हूं, मुझे सब समझ आता है, ये भी ना हो, क्योंकि अगर अहंकार सूक्ष्म भी आ गया, ब्रह्म कुमारी में इतने सालों से हम ज्ञान में हैं, हमने इतना कर लिया, या हमें ये ज्ञान मुरली सब समझ आती है, इसका भी अगर अभिमान आ गया, तो परमात्मा के साथ में अभिमान वाली आत्मा उनसे शक्तियां, प्रेम, शांति, खुशी खींच नहीं सकती है, वो भी बैरियर बन जाता है। तो खान पान से लेकर के, रहन सहन से लेकर के, उठने बैठने से लेकर के, नहाने धोने से लेकर के, इवन सूक्ष्म आत्मा मन तक, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या सोचना क्या नहीं सोचना, ये सब कुछ परमात्मा पिता हमें सिखाते हैं ब्रह्म कुमारी इसमें। अब जो जितना फॉलो करेगा उसको उतनी शक्ति परमात्मा से मिलेगी, उसका मन उतना स्टेबल रहेगा। तो परमात्मा देता जा रहा है, हमारी कैपेसिटी हमें खुद ही बढ़ानी है, वो धारणाएं करके जो कहते हैं ये ना करो वो ना करो, तो हम बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरे से तो नहीं होता भाई। तो हम कहते हैं ये मेरे से नहीं होता, हम क्या करें, तथास्तु, ठीक है मेरी इतनी ही कैपेसिटी है उनसे लेने की। तो परमात्मा की बातें मानना मतलब हमें परमात्मा तक उनकी वाइब्रेशन पहुंचने की शक्ति पाना, अपने लेकर रहे, ये सब आपको सिखाया जाता है स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है आपसे एक दिन में ना हो, एक महीने में ना हो, एक साल में ना हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप जब ये निर्णय लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर शक्ति आती जाती है, विल पावर बढ़ती है। इसको और समझने के लिए ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाइए, हो सकता है आपके घर के पास ही खुल गया हो ब्रह्म कुमारी सेंटर। इसके साथ ओम शांति।